नमस्ते सभी को, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हर हर महादेव। फिर से आज हम जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है डायलिसिस का इलाज बेलपत्र से। जी हाँ, डायलिसिस का इलाज बेलपत्र से। बहुत लोगों को आज बहुत बहुत बीमारी है, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है। आजकल घर में खाने से ज़्यादा तो दवाइयाँ होती हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। भगवान ना करे कभी किसी की स्टेज डायलिसिस वाली आए, पर क्या करें, आ जाती है। जिनके घर में कोई ऐसा है या किसी के जानकारी में कोई ऐसा है जिसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए श्रद्धा पूर्वक एक बेलपत्र का सेवन करके देखिए, करा के देखिए, फल ज़रूर प्राप्त होगा। बेलपत्र में तीन पत्ते होते हैं। जो नीचे की डंडी होती है, दो पत्ते के बीच की जो डंडी होती है, उस डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और पार्वती जी की समस्त जितनी भी पावर्स होती हैं सब उसमें होती हैं। अब डायलिसिस के लिए खाना क्या है? डायलिसिस के लिए बेलपत्र के नीचे, तो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, साइड में इसके आपको एक बेलपत्र की फ़ोटो भी दिख रही होगी। इसमें आपको वो नीचे गोगुरु जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो भी दिखेगा, जिसको तोड़ के आपको बेल, वो अशोक सुंदरी जी की स्थान पे रखना है। उठा के उसको धीरे धीरे चबा लेना है। श्रद्धा पूर्वक करके देखिए, आपको अवश्य ही इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैं साथ में आपके अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है शिवलिंग पे, जलारी के में जो होती है, वहाँ भी आपको जल का बताऊंगी कि कहाँ पे वो आपको चढ़ाना है। शिवलिंग पे कहीं भी नहीं रखना, सिर्फ जो जलारी में स्थान होता है अशोक सुंदरी जी का, वहाँ पे। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबके साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। हर हर महादेव। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की, तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में दो खाओ, हफ्ते में तीन खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिए, लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये दो पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां
और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है, जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में दो बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाएगा, लीवर किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना, शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र, देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का एक लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया, जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया, चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा, देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है।